Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning, everyone. In our last class, we have discussed the cumulative distribution function, probability distribution function ki baat hum kar hi chuke the. Next, humne cumulative distribution function ki baat kare the with respect to random variable, hai na? रैंडम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में रख के हमने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात की हुई थी. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं? इम्पॉर्टेंट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं? तो पहला तो हमारा पॉइंट आ जाएगा बाइनोमियल, है ना. उसके क्या होंगे? या तो यस होगा या तो नो होगा आउटकम्स, है ना, बाइनोमियल की बात करें तो. नेक्स्ट, ईच ट्रायल रिजल्ट्स इन एन आउटकम दैट मे बी क्लासिफाइड एज अ सक्सेस और अ फेलियर. जो भी आउटकम ट्रायल रिजल्ट्स का रहेगा, आउटकम का, वो कैसे क्लासिफाई किया जाएगा? सक्सेस के बेसिस पे किया जाएगा, एज अ सक्सेस, सक्सेस भी हो सकता है, और अ फेलियर, फेलियर के बेसिस पे भी हो सकता है. हेंस तभी नाम दिया गया है, हेंस द नेम गिवन बाइनोमियल. क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या क्या हो सकता है. बाइनोमियल है तो डेड भी हो सकता है, अलाइव भी हो सकता है ना, डेड या अलाइव. स्मोकर भी हो सकता है, नॉन स्मोकर भी हो सकता है ना. ट्रीटेड भी हो सकता है, अनट्रीटेड भी हो सकता है. सिक, बीमार, और वेल मतलब ठीक, एक्सेट्रा. तो इस तरह से हमारे क्या हो जाएंगे? बाइनोमियल के आउटकम्स हो जाएंगे. ईच ट्रायल रिजल्ट्स इन एन आउटकम दैट मे बी क्लासिफाइड एज सक्सेस, या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा. तो दो दो का दिया गया है, डेड अलाइव, स्मोकर नॉन स्मोकर, ट्रीटेड अनट्रीटेड, सिक एंड वेल. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा? नेक्स्ट आ जाएगा यूजुअली यूज्ड इन सिनेरियोस वेयर वी आर काउंटिंग दी अकरेंसेस, है ना. उन सिनेरियोस में यूज करते हैं जहां पे हम अकरेंसेस को काउंट करते हैं ऑफ सर्टेन इवेंट्स इन एन इंटरवल ऑफ टाइम और स्पेस. कोई भी इवेंट होगा उसका हम अकरेंस को काउंट करेंगे इन एन इंटरवल ऑफ टाइम और स्पेस. एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए काउंटिंग द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु विजिट अ सर्टेन स्टोर फ्रॉम 1 PM टू 2 PM, है ना. नंबर ऑफ कस्टमर्स किसी पर्टिकुलर स्टोर पे 1 से 2 के बीच में कितने आ रहे हैं, कितने लोग विजिट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टोर को, तो उसकी अकरेंस को हम बताएंगे, नोट करेंगे. काउंट्स, एग्जाम्पल हाउ मेनी केसेस ऑफ कोविड इन अ गिवन एरिया. एक एरिए पे पर्टिकुलर कितने कोविड के केसेस हैं वो काउंट करना. तो ये आपकी काउंटिंग के में एग्जाम्पल्स में आ गया, फर्स्ट और सेकेंड, है ना. 1 से 2 के बीच में जितने भी आपके कस्टमर्स किसी स्टोर पे आ रहे हैं वो काउंट करके रख लीजिए, और दूसरा कितने केसेस कोविड के हैं एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में, कितने केसेस हैं. आई होप क्लियर होगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. क्या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है उसके बारे में हम बात करेंगे. सो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इफ द रेंज इन एनी वैल्यू, कोई भी रेंज होगी उसकी कुछ भी वैल्यू होगी, इन एन इंटरवल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज अनडाउटेबली इनफाइनाइट. क्या जो रैंडम वेरिएबल एक्स रहेगा वो इनफाइनाइट रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो चेंज इन टेम्परेचर हो एग्जाम्पल, वेट या हाइट की बात करें एक्सेट्रा, है ना, वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा. नेक्स्ट क्या है? इन डीलिंग विद कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, जब हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के बारे में डील करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज यूजुअली कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. एफ ऑफ एक्स वहां पर क्या हो जाएगा? हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो जाएगा, या सिंपली हम डेंसिटी फंक्शन उसे कह सकते हैं, सिंपली डेंसिटी फंक्शन भी उसे बोल सकते हैं. वेयर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तीन वैल्यूज आ जाएंगे, है ना. एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है. नेक्स्ट क्या आ जाएगा? इज इक्वल, थर्ड क्या हो जाए? पी ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू बी, है ना. ये वैल्यू क्या होगी? ए से बी के रेंज में रहेगी.
एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कब होगा? जब नॉन नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना, नॉन नेगेटिव होगा सारी वैल्यूज की एक्स की, फॉर ऑल एक्स. नेक्स्ट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन कब होगा? टोटल एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स इज वन. जो भी टोटल एरिया आएगा एफ ऑफ एक्स का वो क्या हो जाएगा? ऑलवेज क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा. थर्ड क्या है? पी ऑफ एक्स की वैल्यू या ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा या तो लेस देन और इक्वल टू बी होगा. तो एरिया क्या हो जाएगा? ए टू बी तक जाएगा एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स. एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा? यहाँ ए से बी तक. वहां पे क्या था? एरिया अंडर द कर्व क्या था हमारा? वन था. यहाँ पे एरिया ऑफ द कर्व क्या हो जाएगा? ए टू बी हो जाएगा, यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. जब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए निकालेंगे तो हमारा पूरा कर्व का एरिया आ जाएगा. आई होप क्लियर होगा. एरिया अंडर द कर्व ए टू बी तक रहेगा. आई होप क्लियर होगा. थैंक यू. ये आज का लास्ट टॉपिक है. अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में हम इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.